हेलो बच्चों, आज हम आपको घर बैठे सिखाएंगे कि घर बैठे में खाली समय में आप कैसे खाली समय का यूज कर सकते हो और मम्मा लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो आज हम वेस्टेज कपड़े का आपको फुटमैट बनाना, पायदान बनाना सिखाएंगे और बहुत ही इजी है ये। चाहे ये बच्चे बॉयज में बनाए या गर्ल्स में बनाए, सबके लिए इजी है। मम्मा को आप खुश कर सकते हो इसे बना के। ओके, तो ये देखिए, हम ये ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स पुराने कपड़ों के कट करके हमने इसको ज्वाइंट कर ली है सारी। ठीक है, अपने इसकी थिकनेस और उसके रीजन से कि कितना हमें पतला मोटा ये ऐसी बनानी है स्ट्रिप्स, ये चोटी जैसी बनेगी। ऐसे हम इसको टू टू पार्ट्स में अलग कर लिए हैं, हमने आपके लिए बना के रखा है कि कैसे आप बनाएंगे इसको और कैसे इसको गुथेंगे। जहां से आपको शुरुआत करनी है, ऐसे टू टू पीसेस के आप लेके इसमें इसको अलग कर लीजिए। अलग स्टेप्स ये आपने ले ली, यहां से आप ये बांध सकते हैं। पहले शुरुआत करने के लिए ऐसे तीनों स्टेप्स को मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसको यहाँ ऊपर बांध दीजिए, फिर इसको एक इधर लेफ्ट हैंड ले जाइए, फिर लेफ्ट वाले को मिड में ले जाइए, मिड फिर राइट हैंड को लेफ्ट में ले आइए, लेफ्ट को फिर मिड में ले जाइए। ऐसे ही कंटिन्यूअस ये चलता रहेगा लगातार। देखिए, हम ऐसे से करके इसमें बालों की चोटी जैसे इसको शेप दे दे रहे हैं, आप देख सकते हो। घर बैठे खाली समय में आप इसका यूज कर सकते हो और मम्मा को अपने खुश कर सकते हो। पढ़ाई से जब आपको फ्री टाइम मिले तो आप माइंड फ्रेश करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। नई चीजें भी आप सीख लोगे। ये ऐसे करते करते हम इसको लंबा सा बना लेंगे, लंबा ऐसे बनाते जाएंगे इसको ढेर सारा। लास्ट में हम इसको ऐसे ही नॉट लगा देंगे कि हमें और आगे बढ़ाना है, तो फिर हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी ऐसी लंबी सी। फिर हम इसको, आप देखिए हमने कैसे किया है, बनाया है। यहाँ से ऐसे एक फोल्ड किया, फिर यहाँ लाया, फिर इसको यूं ऐसे टर्न कर दिया ऐसे, फिर ऐसे वन बाय वन ऐसे इसको हम टर्न करते जाएंगे और ये ऐसे लंबा होता जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जब ये हो जाएगा, फिर हम इसको सुई से इसको स्टिच कर देंगे, निडल से। स्टिच करने के बाद ऐसे 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 यहाँ से एक एक लेयर में इसको सिल देंगे। सिलने के बाद फिर हम इसमें, हमने इसमें देखिए बॉर्डर लगा रखा है और बता भी दिया हमने आपको सिल के कैसे इसको सिलना है। ऐसे स्ट्रिप्स लेंगे पतली सी और फिर हम इसको साइड से ऐसा कॉर्नर से लगाते हुए इसका बॉर्डर बना देंगे, तो इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा, ये देखिए। और उसके बाद हम इसको इससे सुई से ऐसे यहाँ से सिल देंगे, ऐसे चारों तरफ ये करते हुए, फिर आपका ये पावदान फुटमैट आपका रेडी हो जाएगा। ओके, अच्छा लगेगा आप तो घर पे भी बनाइए, मम्मा की हेल्प कीजिए। ओके।